म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल वर्ड जहां पे आ गया इसका मतलब वहां पर एक नहीं है, वहां पर दो लोग होने वाले हैं। म्यूचुअल है, सेल्फ का मतलब मेरा इंडिपेंडेंट है, म्यूचुअल का मतलब दो का। अब म्यूचुअल इंडक्शन की क्या प्रॉब्लम है कि आप इमेजिन करें आपके पास दो कॉइल्स हैं, दो इंडक्टर्स हैं। अब दो इंडक्टर्स हैं, एक ये और एक ये। मैंने इसमें कुछ नहीं था, ये तो ऐसी पड़ी थी खाली, बस लूप बना हुआ था, कोई करंट नहीं, कोई बैटरी नहीं, कुछ नहीं। मैं तो पहली कॉइल के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो मैंने बैटरी को ऑन किया और करंट इसमें इंक्रीज हुआ। जब फर्स्ट कॉइल का करंट इंक्रीज हुआ तो उसका भी इंक्रीज हुआ, साथ में कौन पड़ा हुआ था, दूसरी कॉइल, उसका फ्री में भी इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि पहली कॉइल ने भी इंक्रीज किया, पड़ोस की कॉइल का भी उसने यूज़ कर लिया, उसका भी इंक्रीज हो गया। पड़ोस की कॉइल के, अच्छा मेरी पड़ोस की कॉइल मेरे का भी इंक्रीज कर रही है, मैं नहीं होने दूंगी, वो बैठी बैठी करंट पैदा कर लेगी खुद ही, ताकि पड़ोस की कॉइल के बी को कम कर सके और इसमें भी करंट पैदा हो जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं प्राइमरी कॉइल पे, करंट इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं प्राइमरी कॉइल पे, सेकेंडरी में कुछ कर नहीं रहे, सेकेंडरी का फ्लक्स कहीं चेंज हो गया, अपने आप ही चेंज हो गया क्योंकि प्राइमरी का भी चेंज हुआ, तो सेकेंडरी कॉइल क्या करेगी, अपने अंदर इंड्यूस ईएमएफ पैदा कर लेगी, और इस प्रोसेस को क्या बोलती है, म्यूचुअल इंडक्शन। अब आप कहोगे म्यूचुअल तो इसके अंदर सेल्फ भी तो होगी, जिसमें मैं करंट को चेंज कर रहा हूँ उसमें सेल्फ इंडक्शन भी तो होगी ना, तो होगी, बिल्कुल होगी। पर क्योंकि जब हम म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ते हैं तो हमारा पूरा ध्यान इस पड़ोस की कॉइल पे होता है कि इसमें कितना करंट पैदा हुआ, इस पे नहीं होता कि इसमें सेल्फ इंडक्शन कितनी हुई। तो जब हम म्यूचुअल इंडक्शन स्टडी करते हैं तो सेल्फ इंडक्शन को निगलेक्ट करते हैं, डिस्कस नहीं करेंगे, म्यूचुअल को करेंगे, और जब हम सेल्फ करेंगे तो म्यूचुअल को नहीं करेंगे, तो इकट्ठे नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मेन फोकस इस कॉइल की सेल्फ के ऊपर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर करंट जब चेंज होगा तो इसमें सेल्फ इंडक्शन तो होगा, वो ले नहीं रहे, हम इसमें इंटरेस्टेड हैं कि इसमें क्या होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका मतलब कि म्यूचुअल इंडक्शन इज अ फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल। मान लो इस कॉइल में ईएमएफ पैदा हुई ड्यू टू चेंज इन करंट इन नेबरिंग कॉइल, करंट इसमें चेंज हुआ, ईएमएफ उसमें जनरेट हो गई, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन में एक और टर्म है, कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन में क्या चीज़ है, जिसमें करंट हम सेंड करते हैं, चेंज करते हैं, उसका नाम है प्राइमरी कॉइल, और जिसमें अपने आप पैदा होता है उसका नाम है सेकेंडरी कॉइल। तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो सेकेंडरी कॉइल का होगा, ये सेकेंडरी कॉइल है, इसका फ्लक्स कितना चेंज होगा वो डिपेंड करेगा कि इसमें कितना करंट हमने चेंज किया। प्राइमरी कॉइल में जितना आई चेंज होगा, पड़ोस की कॉइल का फ्लक्स उतना ही ज़्यादा चेंज होगा। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है फ्लक्स, ये किसका है, सेकेंडरी का, इसका, और करंट किसका है, प्राइमरी का। तो हम फ्लक्स किसका निकालेंगे, सेकेंडरी का, पर करंट किसमें चेंज करेंगे, प्राइमरी। तो खाम खा कलर चेंज नहीं किए मैंने, कहीं सोचोगे इंक खत्म हो गई थी, नहीं, मैंने जान के कलर दो यूज़ किए हैं, क्योंकि ये शो कर रहा है ये सेकेंडरी कॉइल है और करंट किसका है, प्राइमरी का है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? और यहाँ पर जो फ्लक्स है पड़ोस की कॉइल का, वो और भी फैक्टर पर डिपेंड करता है, उसके नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, उसके नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है ऑटोमेटिकली फ्लक्स बढ़ेगा, लेंथ क्या है, एरिया क्या है, दोनों कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न क्या हैं, ये सारे पैकेज को एम में लपेट दिया, बस एक कॉन्स्टेंट है एम, एम के अंदर नंबर ऑफ टर्न टून सब आएंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं एम, अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक टर्म आएगी एम, तो इसको बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के यूनिट्स भी हेनरी, कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के भी यूनिट्स भी हेनरी। तो इसके अंदर जो ईएमएफ हम स्टडी करना चाह रहे हैं वो कौन सी कॉइल में इंटरेस्टेड है, सेकेंडरी। तो इसमें ईएमएफ कितनी पैदा होगी, माइनस डी फाई बाई डी टी, फाई हम निकाल चुके हैं, एम कॉन्स्टेंट है आंसर। तो इतनी ईएमएफ नेबरिंग कॉइल में जनरेट होगी, करंट जो है प्राइमरी का है, फ्लक्स किसका है या ईएमएफ कितनी है, सेकेंडरी की है। ये समझ में आ रहा है, करंट प्राइमरी का है, इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी की है, करंट प्राइमरी का है, फ्लक्स सेकेंडरी का है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें?